हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डे 7 एजुकेशन साइकोलॉजी के। हम 25 क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन रहेंगे फैक्चुअल, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बाइलिंगुअल पूरा सेशन रहने वाला है, और जिन क्वेश्चंस में डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत होगी वहां आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में शेयर भी करिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए, और आपने अगर पहले से लेकर 6 डे तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि 1 से 6 तक बहुत ही डिटेल कंसेप्ट के साथ बहुत ही उमदा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। बाइलिंगुअल है पूरा सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द इमेजिनेटिव प्ले इज मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग, किस टाइम पीरियड के दौरान इमेजिनेटिव प्ले जो खेला जाता है बच्चों के द्वारा वो ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है, या कल्पनात्मक खेल सर्वाधिक सामान्य किस टाइम पीरियड के दौरान होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि छोटा बच्चा अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है, ठीक है, यहाँ या आप देखोगे तो ये क्या कैसा खेल खेल रहा है कि इसने कोई मूवी देख ली जिसमें किसी सैनिक को तलवार चलाते हुए देख लिया। या आपने देखा होगा घरों में छोटी गुड़िया होती है, छोटी लड़कियां वो छोटी डम्मी गुड़िया को लेकर उसको दूध पिलाने का काम करती है, उसको सुलाती है, ऐसे ये कल्पनात्मक खेल होते हैं। और ये कब तक होते हैं, वैसे इसका होता है 2 to 3 ईयर। क्या होता है, 2 to 3 ईयर। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, 1st 3 ईयर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 से 3 ईयर के बीच में ये गेम क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, 1st 3 ईयर। मेरे ख्याल में पहला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ज्यादातर चीजें आज फैक्ट वाली रहेगी, जिनमें नंबर एज सिस्टम ऐसा चलेगा। कंक्लूड, द इन्वायरमेंट इज द सुप्रीम फोर्स इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसे कौन से साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मैं बोलू कौन से थे जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाल विकास में वातावरण का सर्वोच्च बल है या सुप्रीम फोर्स है। रूसो थे, हरलोक थे, वाटसन थे या स्किनर थे। तो ये कौन थे, वाटसन। वाटसन ने क्या कहा था कि सर्वोत्तम जो फोर्स या बल है वो क्या है, बालक के डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट को कंक्लूड किया उन्होंने, नाम है वाटसन। देखिए दोस्तों, ये पहले एक बार आप खुद वीडियो को थोड़ा सा चाहे पॉज कर लीजिए 10 सेकंड के लिए, खुद ट्राई करेंगे और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे 25 में से किसके कितने ठीक हुए। और बीच में कोई क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उसका आंसर भी आपको देना है ताकि आप अपनी तैयारी का पता लगा सको, ठीक है। नेगेटिविज्म इज यंग चिल्ड्रन रीच इज एट इट्स पीक। किस टाइम पे जो नेगेटिविटी है वो पीक पे होती है, छोटे बच्चों में नकारात्मक प्रवृत्ति देश के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। नकारात्मक का मतलब होता है कि हर चीज में ऐसा लगना कि नहीं हो पाएगा मुझसे, ये हो जाएगा, मुझे लग जाएगी। आपने देखा होगा 1 साल तक का बच्चा तो कुछ फील नहीं करता, 2 साल तक के बच्चे को अगर आप ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर, जैसे आपने देखा होगा घरों में ऐसे ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि गिर जाऊंगा मैं, पर उसको ये नहीं होता कि सामने वाले तेरे को पकड़ लेगा। मतलब उसके मन में नेगेटिविटी होती है कि तू गिर जाएगा, अगर वो उसको बिठा दिया, मान लो चारपाई पे बिठा दिया, तो वो नीचे उतरने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि तू गिर जाएगा। और जब छोटा बच्चा 1 साल का होता है उसको कुछ नहीं पता होता कि तू गिर जाएगा या नहीं गिर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 2 to 3 ईयर के बीच का टाइम, जिसमें क्या होती है, ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति होती है छोटे बच्चों में, ठीक है। इसके बाद तो वो समझदार होने लग जाते हैं, और छोटे वाले को पता नहीं होता। 2 से 3 साल इसका राइट आंसर रहेगा। 2 क्वेश्चन आए हैं 2 से 3 साल वाले का, एक ये वाला और एक इमेजिनेटिव प्ले वाला, साथ के साथ याद हो जाने चाहिए ये फैक्ट आपको। भाटिया बैटरी टेस्ट किससे रिलेटेड है, इसको थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। भाटिया नाम से पता चल रहा होगा इंडियन है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस आईक्यू से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस टेस्ट है आईक्यू। देखो भाटिया जो है, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सीएम भाटिया इन 1995 के अंदर। कोई नहीं पूछने वाला सन कौन सी सेन में किया था। हाँ, इन्होंने 5 सब टेस्ट बनाए थे, जिसमें को ब्लॉक टेस्ट, अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ये 5 टेस्ट इन्होंने सब टेस्ट इंक्लूड किए थे। और ये किस एज के बच्चों पे किया जा सकता था, 11 से 16 साल के ईयर के बच्चों पे किया जा सकता था, जिसमें एक मैक्सिमम स्कोर हो सकता था 95। और ये पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़े लिखे, मीन्स पढ़े लिखे और अनपढ़, हर प्रकार के बच्चा या हर टाइप का जो बच्चा है उसके ऊपर ये किया जा सकता था टेस्ट। जैसे मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। को ब्लॉक टेस्ट क्या है, देखो इनमें क्या किया, जैसे कुछ बॉक्स बनाने थे, ठीक है, उन बॉक्स को बनाने के लिए जैसे 1 से 5 डिजाइन तक बॉक्स बनाने हैं। अगर आपने 1 मिनट या 60 सेकंड तक का टाइम लिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर 120 तक का लिया है तो आपको वो 5 बॉक्स बनाने में आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे यहां बोला ना 95 मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, इसी टाइप 2 से ज्यादा ले लिया तो 0 मिलेगा। 6 से 10 आगे के लिए फिर इसी के अंदर होते हैं, 1 से 5 उसके बाद आगे किए, ठीक है। तो इस टाइप से ये बॉक्स के अरेंजमेंट करवाने में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। दूसरा इनका पास लॉन्ग टेस्ट, ये भी क्या था, ऐसे पास लॉन्ग आपको बॉक्स बनाने थे पैटर्न, ठीक है, 1 से 4, इसमें 8 सेट बनाने होते थे। 1 से 4 वाले को देखिए स्कोर, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे कौन कितना स्कोर, ये सिर्फ मैं एक आपके दिमाग में इमेज रहे कि बैटरी टेस्ट जो है, भाटिया बैटरी टेस्ट जो है वो क्या है। तो ये 5 होते हैं,
जैसे पैटर्न ड्राइंग, आपको बोल दिया कि कोई ड्राइंग पैटर्न करनी है, उसको करने में चार डिजाइन बनाने में आप कितना टाइम ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर दिया जाएगा। जैसे इमीडिएट मेमोरी वाला, देखिए थोड़ा सा समझने वाला, इमीडिएट मेमोरी का मतलब है कि आपको डायरेक्ट कोई पॉइंट बोल दिया, कुछ लाइन बोल दी गई, चार लाइन, ठीक है, मैंने कुछ भी बोल दिया ए बी सी डी, छोटे बच्चे को बोल दिया ए बी सी डी या कुछ भी बोल दिया, उसको आप उसको पीछे पीछे मतलब बोलना है। अगर वो सही बोलता है तो मैक्सिमम पॉइंट इसमें नो हो सकते हैं, ठीक है। और रिवर्स वाले में क्या होता है कि जैसे आपने ए बी सी बोल दिया तो बच्चे को बोलना है सी बी ए, ठीक है, अगर वो सही बोल पाता है तो उसके मैक्सिमम स्कोर कितना दोगे, छह, नौ और छह 15। पिक्चर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे हम कोई बच्चों को टुकड़े दे देते थे और कहते हैं ना इसको अरेंज करो, एक फोटो बनाओ, भाई अलग अलग टुकड़ा काट के दे दिया, आजकल भी आते हैं ऐसे गेम, तो ठीक है, तो ये उससे रिगार्डिंग है। तो ये बैटरी टेस्ट जो है इससे रिलेटेड है, आईक्यू से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड है, इसमें 5 सेट होते हैं, इतनी बात याद रखनी है, 11 से 16 साल तक, और मैक्सिमम स्कोर 95 हो सकता है, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये पूछा जा सकता है कि मतलब पढ़े लिखे हो रहे अनपढ़ दोनों के ऊपर ये किया जा सकता है 11 से 16 ईयर, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉर्मली चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग एट द एज ऑफ, नॉर्मल जो सामान्य बालक है भाषा उच्चारण किस आयु में स्टार्ट कर देता है, तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, अभी मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर रहेगा 9 से 15 मंथ, मतलब एक साल से ऊपर, एक साल से कम, मतलब आप ये मान के चलो साल में बात कर लो, तो जैसे एक साल से पहले और दूसरे साल के स्टार्टिंग, मतलब 9 महीने से लेकर 15 महीने का बच्चा नॉर्मली बोलना सीख जाता है, कोई कुछ कोई थोड़ा पहले लग जाता है, कोई कोई बाद में लगता है, कोई 12वें महीने में, कोई 13वें महीने में, ऐसे लगता है, ठीक है। तो 9 से 15 की एक एवरेज रेंज रहती है। एट व्हाट एज ग्रुप आर ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स आर टॉलर एंड हैवियर देन बॉयज, किस आयु वर्ग में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबी एवं भारी होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 से 14 ईयर, ठीक है। तो आज ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको याद ही रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा हो तो ही आप कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते भी है, जब एग्जाम को टफ बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर के साथ खेलता है एग्जामिनर। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ऑलरेडी चैनल से जुड़े हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसी से एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ये जो मेहनत आपके लिए की जा रही है इससे एक मोटिवेशन यही है कि आप एक लाइक जरूर करें। द सॉफ्ट स्पॉट ऑफ फ्रंटल ऑन द स्कल ग्रेजुअली श्रिंक एंड फिल बाय द एंड ऑफ, ये कहते हैं कि जैसे शरीर में छोटे बच्चे का आपने यहाँ हाथ लगा के देखा होगा, बीच में गड्ढा सा होता है बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है, जिसको अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, कहीं इसको तालवा बोलते हैं, ठीक है, कहीं कुछ बोलते हैं, तो आपने ऐसे महसूस किया होगा किसी छोटे बच्चे को यहाँ हाथ लगा के कि यहाँ एक बिल्कुल सॉफ्ट सा खड्डा होता है, उसके बारे में, खोपड़ी में उपस्थित मुलायम गड्ढा या फ्रंटल धीरे धीरे सुकड़ जाता है और भर जाता है अंत तक, किस अवधि तक वो हार्ड हो जाता है, मतलब जो पहले छोटा होता है ना बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट सा वो भर जाता है, उसका राइट आंसर रहेगा 2 ईयर की एज के बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल भर जाता है और थोड़ा हार्ड टाइप का हो जाता है। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट है द बुक एजुकेशन ऑफ मेन, द एजुकेशन ऑफ मेन पुस्तक किसकी है, मैंने कहा था हर वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक बुक एक दो डेफिनेशन याद करनी है दोस्तों, साथ के साथ एक साथ करते हैं याद नहीं होती। एजुकेशन मेन कौन किसकी है, फ्रोबेल की है, किसकी है, फ्रोबेल की। एजुकेशन मेन इंटेलिजेंस आईक्यू, पहले हम बात कर चुके हैं डेनियल गोलमेन के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉक्सो क्या है, देखिए पॉक्सो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने एक मूवी देखी होगी अभी, वेब सीरीज जो थी आई थिंक आपने देख ली होगी ये वाली, सिर्फ एक बंदा काफी है, इसके अंदर बड़ा जो कोर्ट केस चलता है उसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज्यादा पॉक्सो का ही हवाला दिया जाता है, और जो बाबा होते हैं उन पे वो उनको सजा होती है, तो उसी के इस जो पूरी कहानी के अंदर क्या होता है, इस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ होता है, पर इसकी एज को दिखाने के लिए, उनके पास पावरफुल लोग होते हैं, वो इसकी एज मतलब 18 प्लस दिखाने की शो करते हैं कि ये क्या है, नाबालिग नहीं है। तो पॉक्सो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, पहले तो इनकी डेफिनेशन, तो इनकी फुल फॉर्म तुम्हें याद होनी चाहिए, 2012 एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया, द पॉक्सो एक्ट 2012 डिफाइन अ चाइल्ड एज एनी पर्सन, डिफाइन ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़की, चाइल्ड वर्ड यूज किया गया, मीन्स कोई भी हो सकता है जो 18 ईयर से कम हो, बिलो 18 ईयर, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है। तो ये इससे रिगार्डिंग ये थी, आपको वेब सीरीज या मूवी आपने देखी होगी मनोज वाजपेयी की, ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड वेन सेक्सुअली अब्यूज्ड, पॉक्सो क्या है, ठीक है, 2012 एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए जी नेक्स्ट,
इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। आपको पता है दिव्यांग वर्ड अब यूज किया जाने लग गया है, ठीक है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 इंश्योर राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम, बच्चों के लिए शिक्षा का, ये बच्चों हेतु आवश्यक एवं मुफ्त शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अनुसार उम्र के विकलांग बच्चों के लिए। अब देखो यहाँ वर्ड यूज किया विकलांग, वैसे क्या होता है नॉर्मल चाइल्ड हो तो 6 से, अगर नॉर्मल चाइल्ड है तो उसके लिए कंपलसरी जो प्राइमरी पूरी उसकी एजुकेशन है वो कहां तक है, 6 से 14। और यहाँ क्या बोला डिसेबल्ड, डिसेबल्ड के लिए क्या होता है 6 से 18, 4 साल एक्स्ट्रा होते हैं, ये बात याद रखनी है तुम्हें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नॉर्मल चाइल्ड बोला है या डिसेबल्ड बोला है, ठीक है, दिव्यांग या विकलांग कुछ बोला है तो 6 से 18 क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। इनरिचमेंट प्रोग्राम नीडेड फॉर, इनरिचमेंट प्रोग्राम किसके लिए होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनका आईक्यू 120 प्लस होता है, उनको क्या होता है कि उनको ज्यादा सीखने का वो रहता है, ठीक है, और वो गिफ्टेड होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम देना होता है क्लास के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया कि जाए कि स्पेशल चाइल्ड क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड हर कोई हो सकता है, स्लो लर्नर भी स्पेशल हो सकता है, फिजिकल डिसेबल्ड है वो भी, जो मतलब एक नॉर्मल कैटेगरी से हटकर है, चाहे वो स्लो लर्नर है चाहे वो फास्ट लर्नर है, वो क्या आएगा अगर नॉर्मल से हटकर है तो उसको हम क्या बोलेंगे स्पेशल, विशिष्ट बालक, चाहे वो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि तू कम है तो विशिष्ट कैसे होगा, तो विशिष्ट ही वो मतलब विशेष बालक, ठीक है, वो स्लो लर्नर है मतलब नॉर्मल की कैटेगरी में से हटकर, चाहे वो ज्यादा तेज सीखने वाला हो चाहे स्लो सीखने वाला हो। इनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत बार पूछा जाता है किसके लिए होता है, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए होता है। द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट वाज मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर, 14 ईयर, 16 ईयर, 18 ईयर, आंसर कीजिएगा, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए जुलाई 2016 में अमेंडमेंट किया भारत सरकार ने, पार्लियामेंट हैज पास्ड द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2016। कौन से एक्ट में ये अमेंडमेंट किया, द एक्ट अमेंड्स द चाइल्ड प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, 1986 का जो एक्ट था उसके अंदर क्या किया अमेंडमेंट किया, और अब 2016। अब इसमें कुछ प्रोविजंस में क्या किया गया, कुछ सजा बढ़ा दी गई, कुछ चार्जेज और जो फाइन है उसको बढ़ाया गया। क्या होता है 1986 में भी चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर था, ठीक है, 14 ईयर का मतलब यही है, आंसर तो बी हो जाएगा। इसके बाद अभी क्या क्या किया, देखो पहले क्या होता था, द एक्ट हैज कंप्लीटली बैंड एम्प्लॉयड ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 14 इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड एंटरप्राइजेस एक्सेप्ट बाय दोज हिज रन और फैमिली, अपने घर का कोई काम कर रहे हैं, मतलब किसी पापा ने दुकान खोल रखी है तो उस दुकान पे आप बैठ सकते हो, बच्चा दुकान पे बैठ सकता है एक्सेप्ट, उसको छोड़कर किसी फैक्ट्री वगैरह में बच्चे से काम नहीं करवा सकते 14 साल से कम की उम्र में, ठीक है, ओन फैमिली। पर हाँ बच्चा घर के काम में दुकान पे बिठा सकते हो, बट उसकी एजुकेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, एजुकेशन डज नॉट हैम्पर्ड। 1986 प्रोविड द एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर इन सर्टेन ऑक्यूपेशन, बिड बिल्डिंग, माइनिंग, डोमेस्टिक वर्क, पावर लूम्स, ऑटोमोबाइल्स, वर्कशॉप वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया एडोलोसेंस, अभी जो नया रिवोल्यूशन अमेंडमेंट किया उसके अंदर डिफाइन 14 से 18 साल एक्ट एज एडोलोसेंस बार देयर एम्प्लॉयमेंट इन हजार्ड्स ऑक्यूपेशन मेक देयर चिल्ड्रन लेबर कॉन्क्राइज ऑफेंस के अंदर आएगा ये। दूसरा है कि अगर 14 साल विल अट्रैक्ट जेल, अगर आप काम करवाते हो तो आपको जेल हो सकती है बिटवीन 6 मंथ टू 2 ईयर, 6 से 2 साल के लिए, पहले ये क्या होती थी 3 महीने से 1 साल होती थी, अभी इसको बढ़ा दिया गया है 2016 के बाद 6 से लेकर 2 साल तक, मतलब 6 महीने से लेकर 2 ईयर तक आपको क्या हो सकती है सजा हो सकती है। दूसरा आपको 20,000 क्या लग सकता है फाइन लग सकता है, 20,000 क्या लग सकता है फाइन लग सकता है 22 लेकर 50,000, जो कि पहले क्या होता 10,000 के आसपास होता था। हाँ अगर पेरेंट्स है काम करवाने वाले तो उनके केस में थोड़ा आपको क्या मिल जाएगा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब फाइन 10,000 तक का लगेगा। अगर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनसे काम करवा रहे हैं कहीं, ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा 10,000 तक का फाइन। क्लियर, आगे बढ़े। चिल्ड्रन विद डेस आईक्यू नीड हेल्प एंड असिस्टेंस इन एवरी स्टेप, हर काम, बच्चे को अगर कुछ काम करना है तो उसको हर काम में हेल्प चाहिए। मानसिक दक्षता वाले बालकों को प्रत्येक कदम पर सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे जिनको हर काम करने के लिए हर स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा, उनको असिस्टेंस करना पड़ेगा, सहायता प्रदान करनी पड़ेगी या उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चे किस आईक्यू लेवल के होते हैं, दीज आर द
बिलो 20, आईक्यू लेवल उनका 20 से भी कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द टर्म डेवलपमेंटल टास्क, ये तुम कर सकते हो अगर डे 6 देखा है तो। डे 6 के अंदर एक क्वेश्चन आया था डेवलपमेंटल टास्क एडोलेसेंस के बारे में। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा एडोलेसेंस के कुछ टास्क लिखे हुए थे, मैंने आपको सबके बताए थे, अर्ली, उसके बाद मिडल चाइल्डहुड और फिर एडोलेसेंस। ठीक है, तो उसको हमने देखा था हेविंग गस्ट ने क्या दिया था, डेवलपमेंटल टास्क दिया था अलग अलग अवस्थाओं में कौन कौन से काम। यहाँ आपने देखा था कल जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए, खुशी और वो वाला, नहीं था बाकी सब थे, कैरियर होना, कैरियर की तरफ आपको जो एडोलेसेंस थे उनको कैरियर की भी होनी चाहिए, सोशली उनको जो दायित्व मिला उसके लिए भी, इस टाइप के कुछ 5-7 वो हमने कल डिस्कस किए थे डे 6 के अंदर। तो डेवलपमेंटल टास्क किससे रिलेटिंग है, हेविंग गस्ट से। आगे चलिए, द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर, ये नॉर्मल वालों की बात हो रही है, किसकी, नॉर्मल वालों की। ठीक है, वाज इनएक्टेड ऑन, अधिनियम को लागू कब किया गया, तो ये लागू किया गया था, आपने सोच लिया होगा, अपना आंसर दे लिया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके दीजिए, अदरवाइज आपने दे लिया होगा, 4 अगस्त 2009। लास्ट में आप जरूर एक बार बता के जाएंगे कि कितने आपके 25 में से सही हुए। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ हेड ऑफ ए न्यूली बॉर्न इन्फेंट, नवजात शिशु का अनुपात, शरीर के अनुपात का कितना होता है, अपनी पूरी बॉडी के वेट का या इससे का, अगर वो सिर है जो नवजात शिशु का, वो कितना, 1/5, 1/3, 1/4, 1/6, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर है तो क्वेश्चन लगा दोगे, वरना एक नंबर गया, तुक्का मारोगे तो 0.25 भी गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शरीर का 1/4 होता है, शरीर का 1/4 सिर होता है नवजात शिशु का, याद रखना दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग सेंस इज लीस्ट डेवलप्ड एट द बर्थ नियोनेट, यह कहता है नवजात में जन्म के समय निम्नलिखित संवेदनाओं में सबसे कम कौन सा संवेग विकसित होता है, दृश्य देखने वाला, स्वरण सुनने वाला, गंध स्मेल के बारे में, स्पर्श, क्या उसको टच करते हो वो डेवलपमेंट वो महसूस नहीं कर पाता, क्या वो स्मेल नहीं ले पाता, क्या वो हियरिंग और क्या वो स्लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर रहेगा हियरिंग। श्रवण शक्ति इतनी डेवलप नहीं होती, ठीक है, कितनी, इतनी डेवलप नहीं होती जब बच्चा नवजात होता है, नवजात जन्म के बच्चे का। ठीक है, क्लियर है, तो इसको याद ही रखना है दोस्तों, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द अर्ली मंथ ऑफ लाइफ बेबीज मेक्स क्राई अलोंग विद साउंड्स सच एज ग्रंट्स ऑफ पेन सेक्युल्स ऑफ डिलाइट इज कॉल्ड, शुरुआती महीने में बच्चे रोने के साथ कुछ सामान्य आवाजें निकालते हैं जैसे दर्द के समय कहराना, हंसी के समय किलकारी आदि, जिसको क्या कहते हैं, इसको बैबलिंग कहते हैं, कुइंग कहते हैं, स्ट्रेमिंग कहते हैं या स्टर्टनिंग कहते हैं, हकलाना, तुतलाना, कुइंग या बबलाना, जो ऐसी आवाजें निकालते हैं उनको बोलते हैं कुइंग, क्या बोलते हैं, कुइंग, याद रखना है ये, क्या बोलते हैं, कुइंग, जब बच्चे रो रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, किलकारी मारते हैं हंसी के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं कुइंग। ये किसमें आता है, आपका साइकोलॉजी के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट पेडागोजी साइकोलॉजी, उसके अंदर आ जाता है क्वेश्चन। ये बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हर कोई बता देगा। द मीनिंग ऑफ टर्म टेबुलर राशा, पहली बात तो एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, टेबुलर राशा किससे रिलेटेड है, जॉन लॉक से रिलेटेड है, जॉन लॉक से। और इन्होंने टेबुलर राशा का मतलब क्या होता था, ब्लैंक स्लेट, कि क्या एक खाली स्लेट की तरह प्लेन, उस पर जो भी लिखोगे बच्चे को जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा, बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट देंगे उसी के अकॉर्डिंग बच्चा बन जाएगा, क्लियर है। तो इसको ब्लैंक स्लेट बोला गया था, टेबुलर राशा जॉन लॉक से रिलेटेड है, खाली स्लेट बोला जाता है। ठीक है, यहां तक आपको मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन क्लियर है हो गया होगा। चलिए अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं, द राइट टू एक्ट एजुकेशन 2002 कम्स अंडर द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इंडिया के, 21A, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा राइट आंसर, 21A। द चिल्ड्रन एक्ट प्रोहिबिटेड वाज मेड इन द ईयर, अभी किया है आज ही, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसको हमने बहुत डिटेल में किया है, बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन को किया है, तो इसको आप राइट आंसर मुझे बताओगे, 1976 होगा, इसका अमेंडमेंट हुआ था, हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले चाइल्ड लेबर वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, डेस हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, बाल अध्ययन का आंदोलन पिता किसे कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या फ्रॉइड होगा, मसन होगा, ई हरलोक होगा, स्टैनले हॉल होगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल, क्या हो जाएगा, स्टैनले हॉल इज द राइट आंसर, बाल अध्ययन का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द बर्थ ब्रेन डबल इट्स साइज बाय, बच्चे का जो जन्म के टाइम जो मस्तिष्क होता है उसका आकार दुगना कितने टाइम में हो जाता है, क्या 2 साल में हो जाता है, क्या 4 साल में हो जाता है, एडल्टहुड तक होता है या 6 ईयर में होता है, राइट आंसर इसका क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर इसका रहेगा 2 साल,
मतलब 24 मंथ में जो बच्चे का जन्म में जितना मस्तिष्क का आकार होता है वो उसका डबल हो जाता है 24 मंथ्स मींस 2 ईयर में। आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या एजुकेशन, विशिष्ट बालक किससे होता है। देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है आपको, लिंग, जाति या किसी के बेस पर, स्थान के बेसिस पर आपको क्या नहीं करना, भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। तो यहां अपना क्या रहेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या रहेगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, लिंग जाति स्थान के हिसाब से हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 15 कहता है। तो इन क्वेश्चन के आंसर, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये होते हैं आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट। आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा, मैंने काफी फास्ट करवाने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर किसी को लगता है कि ज्यादा फास्ट है तो वो स्लो कर सकता है। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा आपने बोला था नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिएगा, आज क्वेश्चन थोड़े फैक्चुअल थे तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम रही होगी, आपको ऐसा लगा होगा, पर उनमें क्वेश्चन में जिनमें नीड थी उनमें हमने काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है, कुछ फैक्ट है जो कि याद ही रखने होंगे। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।